नवापूर पिंपळनेर रोडवरील पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसरातून चोरी करताना रंगेहात चोराला पकडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नवापूर पिंपळनेर रस्त्यावर पंचमुखी हनुमान मंदिर आहे. येथील सेवाभावी महाराज यांच्या सतर्कतेने सदर चोराला पकडण्यात यश मिळाले आहे. कंबल विकणारे फेरीवाले रात्री दरम्यान आश्रयास असलेले जवळजवळ 9 ते 10 लोक झोपलेले असताना हिरो कंपनीची विना नंबर असलेली मोटारसायकल घेऊन मंदिर परिसरात आला व त्याने मध्यरात्री 2 ते 3 वाजेच्या सुमारास फेरीवाले झोपलेले असताना त्यांच्याकडे असलेले मोबाईल व इतर साहित्य गोळा करून पलायन करण्याच्या तयारीत असताना एका फेरीवाल्याला जाग आल्याने त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. 1 ते 1.5 लाख रुपये किमतीचे मोबाईल घेऊन पलायन करणारा या चोरट्याची ओळख पटली असून इम्रान खान फजल खान पठाण उर्फ डेंगू वय 27 तो अक्कलकुवा येथील रहिवासी असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याच्यावर अक्कलकुवा शहादा पोलीस स्टेशन हद्दीत घरफोडी मोबाईल व मोटरसायकल चोरी प्रकरणी गुन्हे दाखल असल्याची माहिती नवापूर पोलिसांनी दिली असून संपूर्ण तपास केल्यावर संबंधित चोरट्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे समजते. मंगेश येवले, नवापूर लाईव्ह न्यूज, नवापूर. महाराज, पंचमुखी हनुमान मंदिर का सेवक हूँ मैं और यहाँ के ऊपर में रात को एक चोर आया, कहीं से भी फिरता आया रात को 3:30 बजे के टाइम के ऊपर में, और उसने चोरी करने के लिए रूम के अंदर में घुस गया और घुसने के बाद में उसने सब कम्बल वालों का थैला बैग जो सब चेक इन किया. उसने चेक इन करने के बाद में सारे मोबाइल, उसने 10-12 मोबाइल थे सब इकट्ठा कर लिया और ले करके फरार होने की तैयारी थी. इतने में एक कम्बल वाला भाई जग गया है, उसने उसको पकड़ा है, पकड़ करके और वह देखा चोर चोर करके चिल्लाया इतने है. और उठने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई चोर है यह, बोल हमारे सब मोबाइल चोरी कर लिया इसने सब ले करके भागा पोटली बांध करके. तो उसको पकड़ करके हमने उसको अंदर मंदिर के अंदर में ले करके आए और उसके बाद में उसका मोबाइल जितने थे उनके पास में हमने सब ले लिया उसके पास से. और वह भागने की तैयारी में थे, बोले मेरे को जान दो, तो हमने उसको जाने नहीं दिया. उसके बाद में उसकी गाड़ी हमने जब्त कर लिया है. फिर बाद में उसका हमने पुलिस स्टेशन के ऊपर में फ़ोन करके और उसको वहाँ पुलिस स्टेशन को पुलिस को बुला करके उसको रवाना कर दिया है. और हम यहाँ के ऊपर में अभी वो उसको क्या करा जाए, पुलिस जो कार्रवाई करेगा वो उनके हाथ में है.